हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे बनाते हैं एक इन्फिनाइट इंसिडेंट डेब्रिस फार्म। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एक नेदर अबिलिटी आया है, जो कि नया है वो भी बिल्कुल। तो उसमें एक नेदरराइट नाम को कोई मटेरियल है, जो कि जिससे हम लोग एक बहुत ही अच्छा आर्मर बना सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल, डायमंड से भी ज़्यादा पावरफुल है। तो इसलिए हमें इस इन्फिनाइट एंशिएंट डेब्रिस फॉर्म को बनाने की जरूरत है। एंशिएंट डेब्रिस से ही नेदरराइट बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे इसे बनाते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को जो जो सामान चाहिए इसे बनाने के लिए, उसे वो सब मैंने इस चेस्ट में रख लिया है। चलिए इस चेस्ट को खोल के देखते हैं तो क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो 6 कोई भी आपके मनपसंद ब्लॉक और 6 एंशिएंट डेब्रिस आपको चाहिए ही चाहिए, नहीं तो फिर ये नहीं बन पाएगा। और 6 रेडस्टोन रिपीटर, 12 ऑब्सीडियन, 3 हनी ब्लॉक, 3 स्लाइम ब्लॉक, 7 स्टिकी पिस्टन और 13 ऑब्जर्वर, और एक आपको लीवर भी चाहिए होगा। तो चलिए हम लोग अपने बिल्ड पर जाते हैं। तो हम लोग अपना ये फॉर्म यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ऐसे 6 ब्लॉक करके यहाँ पर ब्लॉक रखिए। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, आपको अब अपना ऑब्जर्वर लेना है और इस ब्लॉक पर अटैच करते जाना है। यहाँ 6 ब्लॉक के ऊपर आपको इस ऑब्जर्वर को यहाँ पर अटैच करते जाना है। तो रख सकते हैं, ऐसा हो गया है। तो अब आपको ये ब्लॉक तोड़ देना है। तो दोस्तों, मैंने सारे ब्लॉक तोड़ दिए। तो आपको करना है कि आपको एक ब्लॉक लेना है और यहाँ पर ऐसे क्लिक कर देना, और आपको वापस से अपने ऑब्जर्वर लेने हैं और इस ब्लॉक के ऊपर आपको लगाते जाना है। जैसे 1 2 3 4 5 6, देख सकते हैं यहाँ पर 6 ब्लॉक आ चुके हैं। अब आपको इस ब्लॉक को तोड़ लेना है वापस से। अब आपको अपना यहाँ रेडस्टोन रिपीटर ले लेना है और आपको इस तरफ मुड़ के से लगाते जाना है, और आपको यहाँ पर 1 टिक पे इसको सेट कर देना है। मतलब अभी जिस पे है उससे एक पहले करना है इसको, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ऐसे आपको कर लेना है। अब आपको यहाँ पर आपको अपना ऑब्सीडियन लेना है और यहाँ पर गड्ढा बनाना है आपको 2x6 ब्लॉक का। अब आपको अपना ऑब्सीडियन इस पे प्लेस कर देना। ऑब्सीडियन यहाँ जरूरी है, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको ऑब्सीडियन ही लगाने, कोई और ब्लॉक नहीं लगाना। तो दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे सेटअप हो चुका है। तो अब आपको यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लेना और ऐसे करके यहाँ पर उसके आगे लगाते जाना है, रेडस्टोन रिपीटर के आगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लगा दी है। अब आपको यहाँ पर चाहिए स्लाइम ब्लॉक, और एक स्लाइम ब्लॉक लगाना है, फिर हनी ब्लॉक, फिर एक स्लाइम ब्लॉक, फिर हनी ब्लॉक, फिर एक स्लाइम ब्लॉक, फिर हनी ब्लॉक। अब आपको अपना कोई भी मनपसंद ब्लॉक यहाँ पर लगा देना है ऐसा करके। दोस्तों, मैंने यहाँ पर ब्लॉक लगा दिया है। तो अब आपको करना क्या है कि जो एंशिएंट डेब्री से आपको इन स्लाइम ब्लॉक और हनी ब्लॉक के ऊपर ऐसे करके लगा देना है। दोस्तों, मैंने एंशिएंट डेब्रीज भी लगा दी है इसके ऊपर। तो अब आपको बस एक काम करना है, आपको यहाँ पर अपना यहाँ पर स्टिकी पिस्टन लेना है। स्टिकी पिस्टन यहाँ पर लगाइए और इधर साइड मुड़ के यहाँ पर ऐसे लगा दीजिए इसको। अब आपको यहाँ पर ये लीवर लगा देना है। अब बस इसे दबाने की देरी और ये इन्फिनाइट नेदरराइट फार्म स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं अपना पिकेक्स ले लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए, मैंने यहाँ दबा दिया और लगता है मैंने इसे गलत लगा दिया है। तो दोस्तों, आपको इधर साइड नहीं, ऐसे करके मुड़ के लगाना है। सॉरी यार, ये फिर से गलत लगी। तो दोस्तों, मुझे पता चल गया मैंने क्या गलती की। ये जो ऑब्जर्वर है आपको इसे उल्टा लगाना है। दोस्तों, आपको ऑब्सीडियन इस तरफ से नहीं लगाना था, आपको ये ऑब्जर्वर इस तरफ से लगाना है।
तो गाइस आप लोगों को करना क्या था कि ये जो मैंने इसे उल्टा लगा दिया था, आपको देखना पड़ेगा कि ये जो एरो है ये इस तरफ फॉलो करे और यहाँ पर आगे तरफ जाए। तो असली में होता क्या है कि मैं जब इस लीवर को दबाऊंगा तो ये स्टिकी पिस्टन एक्टिवेट हो जाएगा और ये ऑब्जर्वर को आगे भेज देगा। उसके बाद फिर यहाँ आगे बढ़ जाएगा तो फिर इस पे पावर जाएंगे और फिर इन सभी में पावर जाएंगे और ये आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये जो काम करना शुरू हो गया है। तो अब हम वहाँ पर अपने आप खुद ब खुद जनरेटर और खुद देख पा जाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जनरेटर होने लगा है, देख सकते हैं यहाँ पर कैसे सारे जनरेट हो रहे हैं ये चीज़ें। तो अब कुछ देर में यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्रीज जनरेट हो जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर घर से जा रही है लोग, देख सकते हैं। तो बस अभी कुछ देर हम लोग इंतजार कर लेते हैं जितना आगे तक बस जाए। तो दोस्तों आप इसे बंद कर देते हैं हम लोग, हम लोगों की जरूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे एंशिएंट डेब्रिस आ चुके हैं, 1, 2, 3, 31, 32, 33। तो गाइस हम लोगों से 6 एंशिएंट डेब्रिस में से हम लोगों को 32 एंशिएंट डेब्रिस मिल चुके हैं और इस चीज़ की आप वापस ट्राई कर सकते हैं जब आप इसे तोड़ ले। तो चलिए हम लोग इसे तोड़ने जाते हैं। Two thousand years later. दोस्तों मुझे मिला क्यों नहीं, फिर से और एक तोड़ के देखते हैं। तो सॉरी गाइस आज का ये वीडियो एक प्रैंक था, मुझे प्रैंक करने में बहुत मज़ा आता है असली में। अगर आप अपने दोस्तों को भी प्रैंक करना चाहते हैं तो इस यही चीज़ ट्रिक अपना सकते हैं आप। तो दोस्तों असली में ये एक विजुअल इल्यूजन है, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं ये गायब होते जा रहा है। असली में बस यहाँ के आगे आगे के 6 ब्लॉक ही सिर्फ असली वाले हैं, बाकी सब नकली है। जैसे कि आप देख सकते हैं इन पर क्लिक करने से ये सब गायब हो जाएंगे और अगर इनको तोड़ेंगे तभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो बस ऐसे ही आप प्रैंक करने के लिए विजुअल इल्यूजन एक तरह का ही। तो देख सकते हैं ये वाला नकली नहीं, ये असली है, मैं आपको दिखा देता हूँ तोड़ के। अरे ये हनी लग टूट गया। तो दोस्तों देख सकते हैं ये असली एंशिएंट डेब्रिस से बिल्कुल ही, इसे आप इसका स्मेल्ट करके आपको स्मेल्ट करके आप इसे एंशिएंट डेब्रिस से आप ऐसे नेदराइट बना सकते हैं। तो बस ये एक प्रैंक था, बुरा मत मानना दोस्तों। बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना और शेयर करना ना भूलिएगा। और इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो पे। गुड बाय।